हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने एक बेहतरीन वीडियो के साथ। एंड इस वीडियो में आप सबके लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ भी है, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे सिक्योरिटी टोकन के ऊपर। एंड वहाँ पे आप लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ है वो भी लेके जाइएगा वीडियो के अंत में, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने। तो जिन जो जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में है या फिर इस मार्केट में आना चाहते हैं, उन लोगों ने यूएसडीटी का नाम सुना है, ठीक है? यूएसडी मतलब क्या है? जो यूएस डॉलर है ना, जो यूनाइटेड स्टेट्स करेंसी जिसका नाम है डॉलर, उसका नाम है यूएसडी। लेकिन जो भी लोग क्रिप्टो मार्केट में हैं, ये लोग हमेशा सुनता है एक नाम यूएसडीटी। तो इसका लास्ट में टी क्यों लगा हुआ है? तो लास्ट में टी जो है इसका मतलब है तीथर, यानी यूएसडी तीथर, मतलब यूएस डॉलर तीथर, ठीक है? ये डिजिटल डॉलर है, ठीक है? तो इसका नाम सिक्योरिटी टोकन क्यों है, ठीक है? एंड जब भी देखेंगे मार्केट में, जब भी समझ लीजिए कोई भी डंप आता है, लोग क्या करता है, तुरंत सेल करके डॉलर में कन्वर्ट करके रख देता है, यानी यूएसडीटी में कन्वर्ट करके रख देता है। क्यों रख देता है? क्योंकि ये सिक्योरिटी टोकन है। सिक्योरिटी क्यों है, ठीक है? क्योंकि जब यूएसडीटी को बनाया गया है ना, जैसे समझ लीजिए कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, समझ लीजिए इथेरियम है, मेटिक है, इन सब के पीछे क्या है, लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी जिसका स्ट्रांग रहेगा वो क्रिप्टो करेंसी उतना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। एंड लिक्विडिटी जब कम घटता रहेगा ना, वो क्रिप्टो करेंसी नीचे आता रहेगा, ठीक है? तो वो सब क्या है, लिक्विडिटी है। क्रिप्टो में लिक्विडिटी काम करता है। एंड जो सिक्योरिटी टोकन है ना, उस वो सिक्योरिटी क्यों है? अभी जब ये 2014 में जब यूएसडीटी आया है, यानी यूएसडी तीथर आया है, तब क्या किया है, जो तीथर ग्रुप है, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया है, समझ लीजिए जितना डॉलर मार्केट में लेके आना है, ठीक है, उतना ही डॉलर के बराबर फिजिकल एसेट, ठीक है, उतना ही डॉलर के बराबर फिजिकल एसेट या फिर फिजिकल डॉलर किसी एक गवर्नमेंट के सामने, ठीक है, इन लोगों ने सिक्योरिटी में रखा है कि ये रहा आप लोगों का फिजिकल एसेट, ठीक है, एंड इसके बदले में डिजिटल एसेट मार्केट में लेके आ रहा हूँ। तो अभी क्या है, मार्केट में जितना भी यूएसडीटी है ना, इसका पीछे बैकअप में 100% लिक्विडिटी किसी एक जगह पे स्टोर है, ठीक है? तो ये कभी भी, मतलब जैसे क्रिप्टो में क्या होता है, लिक्विडिटी अगर घट गया तो दाम फटक से गिर गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, 100% डॉलर बैक है इसका पीछे, यूएसडीटी के पीछे 100% डॉलर है, ठीक है? एक यूएसडीटी के पीछे 1 डॉलर है, बाप, 1 डॉलर का, 1 डॉलर है या फिर 1 डॉलर का एसेट है। तो ये क्या है, सिक्योरिटी का काम कर रहा है, ठीक है? तो इसीलिए लोग क्या करता है, पूरा दुनिया भर का लोग, जहाँ पे भी जब भी क्रिप्टो मार्केट में डंप होता है, लोग तुरंत क्रिप्टो करेंसी को बेच के यूएसडीटी बना लेता है, ठीक है, क्योंकि वो सिक्योरिटी टोकन है, ठीक है? तो वहाँ पे इसका दाम सिक्योरिटी टोकन होने के कारण क्या होता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है। अभी क्या है, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है? एंड अगर आप ब्लॉक और कम्युनिटी में, तब तो आप सोने पे सुहागा है आपके लिए। अगर नहीं है, आप आ जाइए, क्योंकि ओपन है सबके लिए, ठीक है? एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है मैं बताता हूँ। आप सब लोगों को पता है कि ब्लॉकरा का जो मेन नेट है वो 12 मार्च 2023 को मेन नेट पे आने वाला है। एंड ब्लॉकरा का जो डेवलपर है मिस्टर फिरोज सर, फिरोज मुल्तानी सर, उन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, पब्लिकली नहीं किया है, किसी एक LDP में किया है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जब 2023 का 12 मार्च में ब्लॉकचेन लॉन्च होगा, तो उसी दिन वहाँ पे अगर कोई टोकन क्रिएट ना हो तो कैसे हो, वो तो नहीं चलेगा ना, इतना बड़ा ब्लॉकचेन लॉन्च हो रहा है तो टोकन वहाँ पे होना चाहिए। एंड उसी दिन ब्लॉक और कम्युनिटी, ठीक है, ब्लॉक और का डेवलपर कोर टीम वहाँ पे एक सिक्योरिटी टोकन लेके आने वाला है, और वो सिक्योरिटी टोकन होगा गोल्ड का सिक्योरिटी टोकन। यूएसडीटी का सिक्योरिटी टोकन है मार्केट में, लेकिन गोल्ड का सिक्योरिटी टोकन नहीं है। तो ब्लॉक ओरा कम्युनिटी या फिर ब्लॉक ओरा का डेवलपर वो कैसे करेगा, वो देखिए, अभी किसी एक गवर्नमेंट के साथ, ठीक है,
आई थिंक वो सिंगापुर गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है, पता पक्का पता नहीं लेकिन हो सकता है। समझ लीजिए एक मैं एग्जाम्पल दे बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तहत 500 करोड़ का समझ लीजिए सिक्योरिटी टोकन, गोल्ड टोकन मार्केट में लेके आना है, ठीक है, तो 500 करोड़ के बराबर, ठीक है, गोल्ड खरीद के या फिर फिजिकल एसेट खरीद के किसी एक गवर्नमेंट के सामने ये सिक्योर रखेगा, स्टोर करेगा वो चीज़, ठीक है, ब्लॉकोरा का टीम वो स्टोर करेगा, एंड उसके अगेंस्ट में इसका डिजिटल टोकन लेके आएगा गोल्ड का। तो जैसे $1 के पीछे $1, USDT के पीछे $1 वहाँ पे बैकअप में है, वैसे ही एक गोल्ड टोकन के पीछे एक गोल्ड टोकन के बराबर जो पैसा है वो वहाँ पे होल्ड रहेगा, यानी कोई रिस्क नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अगर जैसे लिक्विडिटी रहता है तो इसका दाम ऊपर जाता है ना, तो वैसे ही इस गोल्ड टोकन का पीछे फिजिकल लिक्विडिटी किसी एक गवर्नमेंट के पास स्टोर है, और वो गवर्नमेंट परमिशन देगा गोल्ड टोकन मार्केट में लेके आने का। तो डिजिटल गोल्ड टोकन के पीछे फिजिकल बैकअप है, तो ये भी एक सिक्योरिटी टोकन बन जाएगा USDT की तरह। जैसे आज के समय USDT फेमस है ना पूरा दुनिया भर में, वैसे ही ये ब्लॉक और ब्लॉकचेन में फेमस हो जाएगा ये गोल्ड कॉइन, और सिर्फ आने वाले समय में ब्लॉक और ब्लॉकचेन में नहीं, बहुत सारा जगह पे वो गोल्ड टोकन जाएगा, बहुत सारा ब्लॉकचेन में वो जाएगा। अभी क्या है, अगर ये 12 मार्च को लाइव होगा, ठीक है, तो अभी जितना भी ब्लॉक और कम्युनिटी में लोग हैं ना, या फिर जितना भी आने वाला है इस टाइम से पहले पहले, इन सब के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बेस प्राइस में इन लोगों को ही तो मिलेगा ना। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है इस सिक्योरिटी टोकन को कैच करने का। तो थैंक यू, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को सुना है अच्छे से, आप अपना ग्रुप के साथ शेयर करिए, जो जानकारी लेना चाहता है उन लोगों के साथ शेयर करिए, एंड इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगा, एंड इसके विषय में, सिक्योरिटी टोकन के विषय में या फिर ब्लॉक ओरा के विषय में आप लोगों को और अच्छा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।